इधर सामने की ओर चले आते हैं और सामने से देखेंगे तो मैं एक जगह और ले जा रहा हूँ जहाँ पे काफ़ी पौधे काफ़ी कुछ लगाए हुए हैं। बागवान छोटी बागवान देखिए, ये भी हमारे इसमें काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अलग अलग वैराइटीज़ हैं इसमें। हमें जब छुट्टियां होती हैं तो आकर इसमें पौधे लगाते हैं, और जब पिछली छुट्टी थी तो हमने आकर लगाए थे। आज इतनी बड़ी हो चुकी है, देख सकते हैं इसमें गोभी, और देख सकते हैं पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। बीच बीच में सागवान के पौधे भी लगाए गए हैं, और इसमें साग, पालक साग देख सकते हैं, ये पत्ता गोभी है, और ये फूल गोभी है, और ये टमाटर है, और ये पालक साग, और ये लाल साग। तो अलग अलग वैराइटीज़ हैं। बैगन है यहाँ पे देख सकते हैं, और साइड में बीन्स भी लगाए हुए हैं। बीन के पौधे भी आपको दिख जाएंगे, यहाँ बैगन के पौधे, और ये साइड में देख सकते हैं ये बीन के पौधे हैं, और बीन के पौधों में फलें भी लगी हुई हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। देख सकते हैं ये बीन्स बड़े बड़े फल चुके हैं, और इसमें ठंड के कारण पौधे कुछ सूख रहे हैं। पानी भी पड़ गई थी और फिर इसमें ठंड भी ज़्यादा है, तो इस समय ठंड के कारण भी पौधे कुछ सूख रहे हैं। ज़्यादा ठंड, यहाँ मूली देख सकते हैं, यहाँ आपको मूली देखने को मिल जाएंगे। ये मूली के पौधे हैं, मूली भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ये मूली, पतली पतली मूली, जब मोटी होती है तो इसे उखाड़ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मूली के पौधे आपको दिख जाते हैं, और इधर देख सकते हैं, इधर की ओर आते हैं तो इधर और भी चीज़ें हैं। बैगन लगाए हुए हैं, इधर मिर्च भी है, मिर्च के पौधे भी छोटे हैं, और काफ़ी चीज़ें इसमें लगाए हुए हैं। और हमारे पिताजी यहाँ पे इसकी देखभाल करते हैं, इसको अच्छे तरीके से सींचते हैं। कुछ हम आपको दिखा चुके हैं इस ब्लॉग में पौधों को किस तरीके से। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें फल भी लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टमाटर के पौधे हैं जिसमें छोटे छोटे फल आ चुके हैं, और यहाँ पे खूबसूरत सा पौधा हरा भरा आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर दबा लें, ताकि हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।